जय हिंद। पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं 2022 और 23 के सेशन के। विश्वविद्यालय का नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी कि पंजाब में यूनिवर्सिटी है और पंजाब में जो जगह है चंडीगढ़, वहाँ यूनिवर्सिटी है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी जानकारी इस विश्वविद्यालय के पीएचडी के फॉर्म को भरने की। किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं ये आपको नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप उसको जाकर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 10-15 पेज का पीडीएफ है, आपका समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा, ठीक है। 12 अक्टूबर 2022 लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की, इस बात का ख्याल और ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। लास्ट डेट 12 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन यदि कोई बच्चे अपना फॉर्म तो सबमिट कर देते हैं लेकिन फ़ीस को सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए फ़ीस को सबमिट करने की लास्ट डेट है 14 अक्टूबर, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, फोटोग्राफ को, सिग्नेचर को, एकेडमिक डॉक्यूमेंट को, उसकी लास्ट डेट है 17 अक्टूबर। मैं डेट्स मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि बाद में ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। इसके अलावा जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, फ़ीस को सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, उन सभी के डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी वेबसाइट पे आपको एक लिस्ट मिलेगी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा 28 अक्टूबर 2022 को ये लिस्ट आएगी वेबसाइट पर, ठीक है। इसके साथ ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट भी दी गई है वेबसाइट पर, जो कि है 5 नवंबर 2022, ठीक है। उसके बाद आंसर की आएगी 2 से 3 वीक के अंतर्गत, और उसके बाद इंटरव्यू यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों के इंटरव्यू भी हो जाएंगे इस विश्वविद्यालय के, ठीक है। ये डेट मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं और चीज़ों पर। आवेदन करते वक्त में आपको बहुत से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो आवेदन हो सकता है ना कर पाएँ, या जो भी होगा आपको मालूम चल जाएगा आवेदन करते वक्त में। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटी, इंजीनियरिंग, लॉ, एजुकेशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, और लगभग 700 से ज़्यादा सीटें आई हैं, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा, सभी डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, कितनी है आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप पहले डॉक्यूमेंट्स को सुन लीजिए और समझ लीजिए। 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, UGPG की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप यदि किसी कैटेगरी में हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, या EWS हैं, PWD हैं, उसके सर्टिफिकेट, ठीक है। यूनिवर्सिटी पंजाब में है, पंजाब की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो यदि आप पंजाब के बाहर के रहने वाले हैं और यदि आप SC या ST हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आप पंजाब के हैं तो आपकी एक कैटेगरी SC है तो SC में ही काउंट होगी, लेकिन आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और आप यदि SC कैटेगरी के हैं तो आपकी कैटेगरी SC ना होकर जनरल ही मानी जाएगी, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आप रखिएगा साथ में। इसके अलावा जब आपकी फ़ीस सबमिट होगी इंटरव्यू के बाद में, तो आपका माइग्रेशन, आपका डोमोसाइल, आपके TC ये सब भी लगाई जाएंगी, आपसे मांगे जाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब कुछ और बातें आपको बता देते हैं एंट्रेंस के संदर्भ में। एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो प्रकार से आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। यानी कि MCQ टाइप के भी आपसे एक घंटे के समय में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है पहले वाले सेशन में। दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होगा जो कि रिटर्न में होगा, उसका पूरा पैटर्न, पूरा क्या रहेगा फॉर्मेट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पंजाब के चंडीगढ़ में ही होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन फीस, जो बच्चे SC ST PWD हैं उनके नामांकन की फ़ीस है 1088 रुपये, और जो बच्चे इस कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी में हैं उनकी फ़ीस है 2175 रुपये, और SC ST PWD की 1088। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग विशेष रूप से। और एंट्रेंस के संदर्भ में एक बात विशेष रूप से मैं बता दूं, जो बच्चे ब्लाइंड हैं, है ना, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उनको दोनों ही परीक्षाओं में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 20-20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि आपको 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगर आपका पेपर आपका 2 घंटे का है तो आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा, और यदि पेपर आपका 3 घंटे का है तो आपको 3 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही 20-20 मिनट का प्रावधान है ब्लाइंड बच्चों के लिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो राइटर है आपको स्वयं लेकर आना होगा, इसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और क्या है इसमें, फटाक से देख लेते हैं।
ये हो गया। हाँ, सीट्स तो लंबा चौड़ा 1, 2, 3, 4, 5 पांच पेज का सीट्स का नोटिफिकेशन है। 5 मिनट लगेंगे, आपको आगे बता देंगे, लेकिन कुछ और बातों को सुन लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कि एग्जाम डेट वाला एक आपके सामने नॉर्म्स आएगा, उससे पहले कोटे वाला भी सुन लीजिए। जो भारत सरकार का कोटे का रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी का, वो सभी यहाँ लागू होगा। 55% आपके मास्टर्स में होने ज़रूरी हैं, और कैटेगरी वालों के लिए 50% भी आपको एससी एसटी और वे ओबीसी के लिए, ठीक है ना, और नॉन क्रिमिनल का भी। इसके अलावा यदि आप मास्टर्स के फोर्थ सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। और यदि एमए पास कर चुके हैं, पीजी पास कर चुके हैं 1 साल 2 साल पहले, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है इसमें कुछ नया देख लेते हैं, मिल जाए तो। हाँ, फेलोशिप है इसके अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटी है, फेलोशिप सभी को मिलेगी, नॉन नेट भी मिलेगा इसके अंदर, इसका का भी ध्यान रखिएगा। और जो गैट या जीपीएपी गैप होगा, उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए ही है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, उसके अलावा 3 साल तक ही ले पाएंगे। हाँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न पे आ जाते हैं, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का समय होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सेकंड वाला पोर्शन, ठीक है। और देखिए, जो पहला वाला पोर्शन है जिसमें 50 क्वेश्चन हैं, उसको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके रिसर्च मेथोलॉजी के, और 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफाई, यानी कि पहले वाले पेपर के भी 2 भाग होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में रिसर्च मेथोलॉजी के 25 क्वेश्चन और पार्ट बी में भी रिसर्च मेथोलॉजी के 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पेपर पे, जो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इस पेपर का समय जो आपको दिया गया है 2 घंटे का दिया गया है। क्वेश्चन आपसे 8 पूछे जाएंगे, 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, सेकेंड वाला जो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स आपका सवाल जवाब आपका क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय है, 8 क्वेश्चन होंगे, 5 करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड वाला पेपर है, इसमें 8 क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट है। पार्ट वन में 4 क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी के और 4 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई होंगे, यानी कि सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, इस बात का विशेष रूप से ख्याल या फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम से कम 40% नंबर प्रवेश परीक्षा में लाने ज़रूरी हैं एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोनों ही पेपरों में 50-50% नंबर यदि आपके हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा नॉर्म्स में कहा गया है, ठीक है। इंटरव्यू यूनिवर्सिटी में ही होगा, ऑफलाइन माध्यम से होगा, एंट्रेंस भी ऑफलाइन माध्यम से होगा। फेलोशिप के संदर्भ में पेज नंबर 13 पे कहा गया है कि ये फ्यू यूनिवर्सिटी फेलोशिप यूनिवर्सिटी ही तय करेगी भैया देना है कि नहीं देना है। एग्जामटेड को लेकर इसमें कोई नॉर्म्स अभी तक मिला नहीं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जामटेड मुझे नहीं मिला एग्जामटेड का, कि नेट वाले, जेआरएफ वाले, एसआरएफ वाले, गेट वाले, सेट वाले एग्जामटेड है या नहीं, कोई जानकारी उसकी ज़्यादा मिली नहीं है। अब आते हैं सीधा सीटों पर। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, अच्छी खासी सीटें आई हैं फिजिकल एजुकेशन में, और ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ दोनों ही जगह सीटें आई हैं। टोटल फिजिकल एजुकेशन में 42 सीटें आई हैं, ठीक है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में, 62 सीटें आई हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 28, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 16, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3, सिविल इंजीनियरिंग में 5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 45, सिविल इंजीनियरिंग में 4, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 15, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 39। देखिए, ये जो मैं सीटें दो दो बार बता रहा हूँ ना, कुछ सीटें कैंपसेस में आई हैं, कुछ सीटें इंस्टीट्यूट में भी आई हैं, ठीक है। इसीलिए कई सीटें आपको 2-3 दिन सुनाई पड़ेंगी। जैसे कि कैंपस के नाम से ही बता देते हैं, SSB यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट रखे गए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी, इसमें 3 में 10 सीटें हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक इंस्टीट्यूट और है, इसके अंदर भी सीटें आई हैं, ये आप देख लीजिएगा, बड़ा लोचा वाला काम है ये, ठीक है। आर्ट्स, हिस्ट्री एंड विजुअल आर्ट्स में 4 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आता है। वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल में 2 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक के अंतर्गत आता है। वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल में 6 सीटें और हैं, PGGCG सेक्टर 11 चंडीगढ़। इसके अलावा VBBIS एंड IS होशियारपुर, इसमें संस्कृत एक डिपार्टमेंट में 8 सीटें दी गई हैं।
इसके अलावा एक और है ये स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज़ PU में, इसमें 20 सीटें हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ मल्टीपल डिसिप्लिन रिसर्च सेंटर पंजाबी में, इसके अंदर भी 7 सीटें दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इसमें 3 सीटें दी गई हैं। और फिर एक और है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, इसमें भी 2 सीटें दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सीटें और हैं साइंस फैकल्टी की। DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, इसके अंतर्गत जूलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें 37-38 सीटें दी गई हैं। सेंटर फॉर सिस्टम बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें 5 सीटें हैं। सिस्टम कॉल इशू इंजीनियरिंग में 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स में 1, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 2, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में 8, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में 2, ह्यूमन जेनेटिक्स में 8, जियोलॉजी में 8, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 1। फिर आ गया है देखिए, ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के अंतर्गत ये टोटल इसमें 70 के करीब सीटें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट और कॉलेजेस के अंतर्गत। आप लोग देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 10, बायो फिजिक्स में 20, एंथ्रोपोलॉजी में 3 सीटें हैं। इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं देख लेते हैं। हाँ, और सीटें हैं, अब ये थोड़ा यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट की ही डायरेक्ट सीटें हैं बता देते हैं आपको। वुमेन स्टडी में 5, सिख स्टडीज़ में 2, सोशियोलॉजी में 2, सोशल वर्क में 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4, सोशियोलॉजी में 19, पॉलिटिकल साइंस में 7, फिलोसफी में 4, हिस्ट्री में 7, गाने स्टडीज़ में 2, इकोनॉमिक्स में 10 सीटें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट और कैंपसेस की देख लीजिएगा। एशियन इंडियन हिस्ट्री और आर्कोलॉजी में 3 सीटें, टोटल सीटें हैं। देखिए लगभग 5-7 मिनट लग गया और पूरा स्क्रीन मैंने विंडो को देखा, कैमरे को नहीं देख पाया क्योंकि एक सीट ऊपर नीचे हो जाएगी, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की एप्लीकेशन फॉर्म है, लास्ट डेट क्या मैंने आपको नहीं बताई, चलिए लास्ट डेट आपको नहीं बताई है तो बता दे, पहले ही बता चुके हैं आपको, आपको रिमाइंडर करा देते हैं 12 अक्टूबर तक फॉर्म भर दीजिएगा कैसे भी करके, और फिर फीस को सबमिट करना, डॉक्यूमेंट को सबमिट करना, सारा कुछ प्रोसेस वगैरह आप 17 अक्टूबर तक कर लीजिएगा ध्यान से। और कोई जानकारी ऊपर नीचे हो गई हो, छूट गई हो, भूल गई हो, मेरे से कमेंट करके जरूर पूछिएगा यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो। और कोई जानकारी और चाहते हैं इस वीडियो के संदर्भ में, इस यूनिवर्सिटी की या इन्फॉर्मेशन की, तो उसका स्वागत है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी तकलीफ आपको हुई होगी, लोगों का आना जाना, कुछ थोड़ी बहुत आवाज़, इसको इग्नोर कर दीजिए, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, आपकी भी और मेरी भी। पुनः आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सम्राट अशोक के जन्मदिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयदशमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लंकेश्वर के जन्म एवं मृत्यु दोनों की भी पुनः ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, सलाम।